नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं ममता तिवारी। शुरुआत इस बुलेटिन की कर लेते हैं। सबसे पहले बड़ी खबर आपको देंगे। जालौर से ये बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर ओड़वाड़ा गांव में आज चलेगा बुलडोजर। आपको बता दें, आहोर उपखंड में स्थित ओड़वाड़ा गांव में ये कार्रवाई की जाएगी। हाईकोर्ट के आदेश पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई। पूरण भूमि पर अतिक्रमण हटाने के लिए प्रशासन ने तैयारी की है। पुलिस प्रशासन और राजस्व विभाग के अधिकारी इस दौरान मौजूद रहेंगे। तो बुलडोजर आज चलेगा। दरअसल आपको बता दें, हाईकोर्ट के आदेश पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई जो है वो की जाएगी। ओड़वाड़ा गांव में ये अतिक्रमण पर कार्रवाई आज होने जा रही है, जहां पर बुलडोजर के माध्यम से अतिक्रमण पर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही पुलिस का जाप्ता भी इस दौरान मौजूद रहेगा, ताकि किसी भी तरीके से कोई विरोध ना हो सके। आहोर उपखंड में स्थित है ये गांव, जहां पर आज ये कार्रवाई होने जा रही है। उरण भूमि पर अतिक्रमण हटाने के लिए प्रशासन ने पूरी तैयारियां की हुई है। पुलिस प्रशासन और राजस्व विभाग के अधिकारी इस दौरान मौजूद रहेंगे। देखिए, हम तस्वीरें भी इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पूरी सुरक्षा व्यवस्था कर दी गई है, ताकि किसी भी तरीके से कोई विरोध ना हो सके। रेवा शंकर इस वक्त संवाददाता फोनलाइन पे हमारे साथ है। रेवा शंकर, ओड़वाड़ा गांव में आज बुलडोजर चलेगा, क्या जानकारी है आपके पास? जी, मैं बताना चाहूंगा कि आहोर उपखंड में ओड़वाड़ा जो गांव है, वहां पे आज प्रशासन ने पूरी तैयारी की है, क्योंकि वहां पे आबादी के जो ज्यादातर घर हैं वो अतिक्रमण में बने हुए हैं, और हाईकोर्ट के निर्देश से आज उन अतिक्रमणों को चिन्हित करने के बाद में आज ढहाया जाएगा। ये प्रशासन ने पूरी वहां पे तैयारी की है। पुलिस भी वहां पे प्रचुर संख्या में मौजूद है, तहसीलदार जो है वो भी वहां पे पहुंचे हुए हैं। जी ठीक है। रेवा शंकर, कितने लंबे समय से यहाँ पर यह अतिक्रमण किया गया था, और क्या कोई इसका विरोध भी कर रहा है जब ये कार्रवाई हो रही है? जी, मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पे जो स्थानीय रहवासी है वो बता रहे हैं कि यहाँ पे उनकी 3 पुश्तों से वो यहाँ पे रह रहे हैं, लेकिन यहाँ पे 2 भाइयों के आपसी झगड़े के कारण मामला हाईकोर्ट तक पहुंचा, और हाईकोर्ट ने जब पूरे मामले की जांच करवाई तब ये ध्यान में आया कि यहाँ पे उस विवादित घर सहित पूरी जो आबादी है वो अतिक्रमण में बनी हुई है, जिसपे हाईकोर्ट के आदेश हुए हैं इस अतिक्रमण को तोड़ने की जा रही है। ठीक है रविशंकर, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। खबर दौसा से है, जहां एक कलयुगी बेटे ने इंश्योरेंस क्लेम पाने के लिए अपने पिता का फर्जी पोस्टमार्टम करा डाला। दरअसल जिले के बसवा थाना क्षेत्र के सागर की ढाणी निवासी महेंद्र सैनी ने कोर्ट में इस्तगासा पेश किया है कि उसके पिता हट्टू राम सैनी की 24 मार्च को सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। उसने कई बार थाने के चक्कर काटे, लेकिन पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया। कोर्ट ने पुलिस को निर्देश दिए तो फौरन मुकदमा दर्ज हो गया, लेकिन जब पुलिस पोस्टमार्टम की मूल कॉपी लेने जिला अस्पताल पहुंची तो फर्जीवाड़े का खुलासा हो गया। पता चला कि एडिटिंग करके पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार की गई, मेडिकल ऑफिसर के फर्जी हस्ताक्षर और सील भी फर्जी तरीके से लगाई गई। जिला अस्पताल की शिकायत पर पुलिस ने युवक के खिलाफ कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है, जांच भी शुरू कर दी है। आपको बता दें, फर्जी पोस्टमार्टम के मामले में दौसा पहले भी चर्चाओं में रहा है, जब फर्जी पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार करके क्लेम दिलवाने के मामले में डॉक्टर और वकील और पुलिसकर्मी गठजोड़ का भंडाफोड़ हुआ था। ये राजकीय चिकित्सालय दौसा के मेडिकल जूरिस्ट डिपार्टमेंट के विभागाध्यक्ष डॉक्टर विकांत सैनी द्वारा हमारे यहाँ कोतवाली थाने में एक मुकदमा दर्ज करवाया गया है। उसमें बताया गया कि उनके हस्ताक्षर का दुरुपयोग करके और कंप्यूटर के द्वारा कटपेस्ट करके एक फर्जी पोस्टमार्टम रिपोर्ट किसी महेंद्र सैनी नामक व्यक्ति ने तैयार करवाई है, और तैयार करवा कर उसका दुरुपयोग किया जा रहा है। और अब बात जादुई बोतल की करेंगे। गांव की इस बोतल में पानी 15 मिनट में फ्रिज जितना ठंडा हो जाता है। किसान से लेकर ऊंट पालक तक इस जादुई बोतल का इस्तेमाल करते हैं। देखिए रिपोर्ट। पश्चिम राजस्थान में इन दिनों तापमान 45 से 50 डिग्री तक पहुंच गया है। इस भीषण गर्मी में लोगों को प्यास काफी लगती है। ऐसे में 45 से 50 डिग्री तापमान वाले इस इलाके में इतना गर्म पानी कैसे पीते हैं, ये सवाल आप सबके दिमाग में जरूर आ रहा होगा। आज हम इसी सवाल का जवाब देंगे। जी हाँ, यहाँ के लोग पानी से प्यास बुझाने के लिए ठंडे पानी का इस्तेमाल करते हैं। शहरों में तो फ्रिज का ठंडा पानी पीकर के गर्मी से राहत पाते हैं, जबकि ग्रामीण इलाके में तो किसी भी तरीके का कोई फ्रिज नहीं होता है, फिर भी यहाँ लोग ठंडा
गंदा पानी पीते हैं। सुनने में भले ही अजीब लगेगा, लेकिन बीकानेर के ग्रामीण इलाकों में प्लास्टिक की बोतल में पूरे दिन ठंडा पानी रहता है। यहाँ प्लास्टिक की बोतल पर स्पेशल कवर यानी बोरी का कपड़ा लगा करके गीला किया जाता है, फिर बोतल में पानी भर करके रखा जाता है, जिससे थोड़ी देर में पानी ठंडा हो जाता है। इस स्पेशल बोतल का इस्तेमाल ऊंट पालक और किसान करते हैं जो तेज धूप में खेतों में काम करते हैं। तो वहीं ऊंट पालक कई किलोमीटर दूर जाते हैं, वे अपने साथ इस बोतल को भी रखते हैं। प्रदेश में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है, पारा 40 डिग्री के ऊपर पहुंच गया है। बूंदी के सबसे बड़े अस्पताल में मरीज और तीमारदार गर्मी झेलने को मजबूर है, लेकिन अस्पताल प्रशासन के अपने दावे हैं। देखिए रिपोर्ट। सभी परेशानी आ रही, पानी परेशान हो रहे हैं बहुत ज्यादा, ठंडे पानी, गर्मी बहुत तेज पड़ रही है और कूलर पंखे बहुत देर चल रहे हैं। ये तस्वीरें हैं बूंदी के मातृ और शिशु अस्पताल की, जहां अस्पताल प्रशासन की उदासीनता मरीजों और तीमारदारों को भारी पड़ रही है। अस्पताल में रखे डक्टिंग कूलर धूल फाक रहे हैं, बेड पर पड़े मरीज पसीने से तरबतर हैं, गमछे और दुपट्टे से हवा खाने को मजबूर हैं। भीषण गर्मी में सबसे अधिक परेशानी प्रसूताओं और बच्चों को हो रही है। छोटे बच्चे गर्मी के कारण बिलखते हैं, जिन्हें परिजन बाहर खुली हवा में घुमाने को मजबूर है। पानी की, हवा की, सब गर्मियां मर रहा था, बाल बच्चा दुख पा रहा था। गर्मी बहुत तेज पड़ रही है और कूलर पंखे बहुत देर चल रहे हैं, हवा नहीं आ रही बिल्कुल भी। कल रात से परेशान हो रहे हैं हम कूलर की और पानी की, तो दिक्कत आ रही है बहुत ज्यादा। दिक्कत आ रही है बहुत ज्यादा बच्चों की, हवा नहीं लगती है, नहीं लगती, फैन भी नहीं है ऊपर। प्रचंड गर्मी में भी अस्पताल प्रशासन डक्टिंग कूलर्स को ठीक कराने की जहमत नहीं उठा रहा। पीएमओ डॉक्टर प्रभाकर विजय का कहना है कि आचार संहिता लगने से डक्टिंग कूलर्स को ठीक नहीं कराया जा सकता, अपने स्तर पर मरीजों को राहत देने का काम कर रहे हैं। टीम के इंजीनियर को बुला के मौके पर दिखाया पूरा सिस्टम कि किस तरह से ठीक किया जा सकता है। उसने पूरा सिस्टम देखने के बाद बताया कि इसमें 16 लाख का खर्चा है। मेरे प्रभार ग्रहण करने के 2-3 दिन बाद आचार संहिता लग गई। आचार संहिता के चलते हुए इतना बड़ा कार्य करवाना संभव नहीं था। तो वहीं अस्पताल में ठंडा पानी नहीं मिलने से भर्ती महिलाओं को गर्मी से चक्कर आने लगे हैं। तीमारदार घरों से या फिर बाहर से खरीद कर ठंडा पानी लाने को मजबूर हैं। लेकिन पीएमओ डॉक्टर प्रभाकर विजय के अपने दावे हैं। ठंडा पानी भी नहीं है, पानी भी हम ठेठ बाहर से भर के ला रहे हैं, बस स्टैंड से लेके आए थे रात को। जी जरूर, ठंडे पानी की बहुत प्रॉब्लम है, ठंडा पानी मिल नहीं रहा, आपको कुल मिला के मरीज परेशान है। कूलरों की संख्या बढ़नी चाहिए और एक ठंडे पानी की तो मेन। बहरहाल ऐसी अव्यवस्थाओं के चलते मरीज तो परेशान है ही, लेकिन सवाल ये है कि जिम्मेदार लोगों का ध्यान कब इस ओर आएगा और कब डक्टिंग कूलर शुरू हो पाएंगे। बूंदी से न्यूज 18 राजस्थान के लिए चैन सिंह तवर की रिपोर्ट। और अब अगली खबर टोंक से है, जहां एक अविवाहित युवती बच्चे को जन्म देने के कुछ घंटों के बाद ही अस्पताल में उसे छोड़कर भाग गई। घटना जिला टोंक मुख्यालय के महिला अस्पताल की है। अस्पताल प्रशासन को इसकी जानकारी तब लगी जब बच्चा बेड पर रो रहा था। बच्चे को रोता देख नर्सिंग स्टाफ ने युवती की तलाश की, लेकिन युवती का कोई पता नहीं चल पाया। इस पर नर्सिंग स्टाफ ने अस्पताल प्रबंधन को इसकी सूचना दी। काफी देर तक युवती की खोजबीन करने के बाद जब वो मिली नहीं तो अस्पताल प्रबंधन ने कोतवाली पुलिस और बाल कल्याण समिति को इसकी सूचना दी। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। अस्पताल प्रशासन के मुताबिक बच्चे का वजन 1 किलो 400 ग्राम है। बच्चे को सांस लेने में तकलीफ होने के कारण आईसीयू वार्ड में उसे भर्ती करवाया गया है। रात को महिला जो अविवाहित थी बच्ची हुई, उसे लोकेटिक पे डिलीवरी भी कर रहे थे, तो 1 किलो 400 ग्राम के वजन है। तुम्हारे प्रेसेंसी में नवजात उपाय में दो बार कर उड़ान जो है ना 400 ग्राम में तकलीफ है, टाइम से मिलेगा बच्चा। बच्चा स्वस्थ है? बच्चा थोड़ा सांस में तकलीफ है, टाइम से मिलेगा और सांस लेने की जरूरत है। क्या किसी को पूछना है? हमने इसमें पुलिस कोतवाली थाना को भी सुनवाई की है।
उत्तराखंड में यात्रा कोई भी हो, साल दर साल आने वाले यात्रियों की संख्या बढ़ती ही जा रही है और यात्रा को कंट्रोल करने के लिए कोई सिस्टम तैयार नहीं हो पा रहा है। ऐसे में पर्यटन विभाग मंत्री ने प्राधिकरण बनाने का सुझाव दिया है, जबकि देवस्थानम बोर्ड का प्रयोग फेल हो चुका है। हर साल पुण्य कमाने, स्नान करने, पितृ मोक्ष के लिए करोड़ों हिंदू उत्तराखंड आते हैं। चार धाम, गंगा स्नान, कांवड़ मेला आदि कैलाश के लिए श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा है। इस बार की चार धाम यात्रा के पहले हफ्ते में ही भक्तों की भीड़ को मैनेज करना मुश्किल हो रहा है। 15 अप्रैल से 15 मई तक 26 लाख यात्रियों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। पिछले साल चार धाम यात्रा में 56 लाख श्रद्धालु आए थे। इसी तरह कांवड़ में हर साल करोड़ों यात्री पहुंचते हैं। साल 2023 में 2 करोड़ से ज्यादा कांवड़िय हरिद्वार पहुंचे, तो पिथौरागढ़ की आदि कैलाश की मुश्किल यात्रा में भी देश भर से श्रद्धालु पहुंचते हैं। मतलब ये कि हर यात्रा में यात्रियों का बोझ बढ़ रहा है, लेकिन व्यवस्थाएं कम पड़ती जा रही हैं। अब पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज का कहना है कि इस सब के लिए प्राधिकरण बनाए जाने की जरूरत है, जिसका काम सभी भीड़ भाड़ वाली यात्राओं को मैनेज करना हो। जो मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से कहा था कि एक प्राधिकरण बनाइए यात्रा का, वो बहुत आवश्यक है। यूपी के अंदर बनाया गया है। हम चाहते हैं कि कांवड़ यात्रा हो, हमारी नीलकंठ की यात्रा हो, कुंजापुरी की यात्रा हो, चारधाम की यात्रा हो, इसके लिए एक प्राधिकरण जो हो इसको पूरी तरीके से संचालित करे तो बड़ा उत्तम होगा। सारी यात्राओं को मैनेज, सारी यात्राओं को, टोटल यात्राएं जितनी भी हैं, नंदा देवी राजजात यात्रा है, इन सबको मैनेज करे, क्योंकि उसका अनुभव भी होगा। चारधाम के मंदिरों में सिस्टम मैनेज करने के लिए त्रिवेंद्र सरकार में देवस्थानम बोर्ड बना। ऐसे में क्या प्राधिकरण बनाने से भीड़ मैनेज हो जाएगी, और प्राधिकरण भी उन्हीं अफसरों की निगरानी में काम करेगा जिनके लिए अकेले चार धाम की भीड़ कंट्रोल करना चुनौती बना हुआ है। अरे ये जो अभी सामने है वो तो कर दो, प्राधिकरण तो जब आएगा तब आएगा, लेकिन इस समय तो चार धाम यात्रा सुव्यवस्थित करो। सब पूरा बवाला मचा हुआ है, हजारों यात्री वापस चले जा रहे हैं बिना दर्शन किए। कितनी तकलीफ की बात है, क्या ये हमारे इंप्रेशन लेकर के जा रहे होंगे। यात्रा मेला कुछ भी हो, तय है कि हर साल यात्रियों की भीड़ बढ़ती ही जाएगी। ऐसे में उत्तराखंड में भीड़ कंट्रोल करने का काम चाहे प्रशासन करे या प्राधिकरण, बिना ठोस प्लानिंग के कुछ नहीं बदलने वाला। दीपांकर भट्ट, न्यूज 18, देहरादून। कैश कांड में झारखंड के कांग्रेस कोटे के मंत्री आलमगीर आलम 7 घंटे की पूछताछ के बाद ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। आलमगीर आलम के पीएम के सहयोगी के घर से मिले थे, पीएस के सहयोगी के घर से मिला था नोट का पहाड़, और मंत्री आलमगीर आलम को जांच में सहयोग न करने के साथ संजीव लाल और जहांगीर आलम से हुई पूछताछ और उनके पास से मिले दस्तावेज के आधार पर ईडी ने गिरफ्तार किया है। पांच 500 के नोट, नोटों की गड्डियां और नोटों के बंडल से भरे कमरे की ये तस्वीर तो आपको याद ही होगी। नोटों के इस पहाड़ को गिनने में ना जाने कितनी ही मशीनें खराब हो गई। अब नोटों के इस ढेर ने मंत्री आलमगीर आलम को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। कैश कांड में झारखंड में कांग्रेस कोटे से मंत्री आलमगीर आलम गिरफ्तार कर लिए गए। ईडी ने करीब 7 घंटे की पूछताछ के बाद आलमगीर आलम को गिरफ्तार कर लिया। कांग्रेस नेता और झारखंड सरकार में नंबर 2 की हैसियत रखने वाले आलमगीर आलम की गिरफ्तारी झारखंड सरकार के लिए बड़ा झटका है। गिरफ्तारी से पहले ईडी ने मंत्री से पूछा कि ग्रामीण विकास विभाग में कमीशन के खेल को लेकर क्या जानते हैं, क्या इस कमीशन के खेल की जानकारी आपको थी, जहांगीर के घर से मिले पैसे के बारे में क्या जानकारी है, 37 करोड़ की रकम कमीशन के रुपए थे या कुछ और, जहांगीर के घर से मिले दस्तावेज पर क्या कहना है, आपके परिवार की आमदनी का और क्या सोर्स है। आलमगीर आलम से मंगलवार को भी ईडी ने 10 घंटे तक पूछताछ की थी और ईडी को कई अहम सुराग भी हाथ लगे। ईडी के एक्शन ने प्रदेश में सियासी टेंशन को भी हाई कर दिया है।
अरे ऐसा आलम तो आप जनता की वोट होते रहेगा भारत में, एक से अपना गवर्नमेंट चाहिए, आगे बहुत बनना बाकी है, आगे बहुत कुछ होना बाकी है। और जिस व्यक्ति पर भ्रष्टाचार के आरोप है और उस आरोप के चलते अगर वो दल बदल करके दूसरे दल में शामिल हो जाते हैं और वो व्यक्ति झारखंड में आकर के ज्ञान बांट रहा है, इससे ज़्यादा दुर्भाग्य की बात क्या हो सकती है। ईडी ने बीते दिनों आलमगीर आलम के ओएसडी संजीव लाल और उनके सहयोगी के ठिकानों पर छापेमारी की थी। इस दौरान सहयोगी के घर से करीब 37 करोड़ कैश बरामद हुए। ये पैसा किसका है और इसका सोर्स क्या है, इस पर से पर्दा उठाने के लिए ईडी लगातार कार्रवाई कर रही है। देखना ये होगा कि जांच की आंच कहां तक पहुंचती है। रांची से ओम प्रकाश, न्यूज 18। करौली से बड़ी खबर आपको देंगे। नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। अनिल मीणा निवासी बामरबास को किया गिरफ्तार। आरोपी करीब 2 महीने से चल रहा था फरार। आरोपी पर 5,000 रुपए का इनाम है घोषित। करौली महिला थाना पुलिस कार्रवाई कर रही है। अनिल मीणा निवासी बामरबास को गिरफ्तार कर लिया गया है। नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार। आरोपी करीब 2 महीने से चल रहा था फरार। आरोपी पर 5,000 रुपए का इनाम घोषित है। करौली महिला थाना पुलिस की यह कार्रवाई। अनिल मीणा निवासी बामनदास को गिरफ्तार कर लिया गया है। रूस ने यूक्रेन के खिलाफ ऑपरेशन एनाकोंडा शुरू कर दिया है और इस ऑपरेशन से शुरू होने के से पहले जेलेंस्की को डराने के लिए पुतिन ने 2 बहुत खतरनाक फैसले भी किए हैं। पुतिन के नए ऑर्डर को देखकर सबसे ज्यादा परेशान अमेरिका है। बाइडेन इतनी ज्यादा टेंशन में है कि उन्होंने अपने विदेश मंत्री को इमरजेंसी मीटिंग के लिए यूक्रेन भेज दिया है। देखिए रिपोर्ट। खार्किव पर कब्जे के लिए जब से ऑपरेशन एनाकोंडा शुरू हुआ है, यूक्रेन की फौज के पैरों तले जैसे पूरी जमीन खिसक गई है। रूस को जहां मौका मिला उसने वहां बम बरसाए, मिसाइलों की बारिश कर दी। बहुत ज्यादा तबाही हुई है। इसके बाद यूक्रेन ने वीडियो जारी किया और रूस के खिलाफ लड़ने वाले रशियन लड़ाकों का हमला दिखाया। ये खार्किव के पास वो चांस का इलाका है और बख्तरबंद गाड़ी से लगातार मोटी मोटी गोलियां बरसाई जा रही हैं। पुतिन का ऑपरेशन एनाकोंडा बहुत आगे बढ़ चुका है। टारगेट पर हैं जेलेंस्की और उनकी फौज जो खार्किव में घिर चुकी है। यही वजह है कि अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन भागे भागे की पहुंचे। पोलैंड से एक स्पेशल ट्रेन से आए ब्लिंकन के चेहरे पर हवाइयां उड़ी हुई हैं। वो जाहिरी तौर पर खुश हैं, लेकिन खार्किव पर रूस के कब्जे को लेकर डर बहुत ज्यादा है। ब्लिंकन हथियारों वाला वादा निभाने जेलेंस्की के पास आए हैं, लेकिन जेलेंस्की इससे पहले बहुत बड़ा ब्लंडर कर चुके हैं। जेलेंस्की की तरफ से हुए इस धमाके ने, इस हमले ने पुतिन को 2 बड़े फैसले लेने पर मजबूर कर दिया है। सीसीटीवी फुटेज में इस मिसाइल अटैक को देखकर पहले लगा जैसे गाजा पर हमले का नया वीडियो आया है, लेकिन फिर पता चला कि बेलग्रेड शहर यानी रूस की जमीन पर बहुत बड़ा अटैक हुआ है। इमारत के मलबे से 15 लाशें निकलने के बाद रूस ने बहुत बड़ा फैसला कर लिया है। रूस के लोगों की लाशें देखकर पुतिन गुस्से में है। इस हमले से सिर्फ मॉस्को ही नहीं बल्कि क्रेमलिन और पुतिन के दफ्तर तक सब कुछ हिला कर रख दिया। और फिर पुतिन ने दिए 2 बड़े ऑर्डर। ऑर्डर नंबर 1, पुतिन ने अपने सबसे बड़े कमांडर को बदल दिया है। पुतिन ने रूस के रक्षा मंत्री को बदल दिया। सरगई शोइगु को हटा दिया गया है।
और ऑर्डर नंबर 2 यूक्रेन के खार्कीव में ऑपरेशन एनाकोंडा शुरू हो चुका है। जेलेंस्की का दूसरा सबसे बड़ा किला घिर चुका है और इसे रूस का ऑपरेशन एनाकोंडा कहा जा रहा है। पुतिन के ये दो बड़े फैसले यूक्रेन के बड़े हमले के फौरन बाद आए हैं। रूस का दावा है कि बेलग्रेथ में इस इमारत पर यूक्रेन की मिसाइल से हमला हुआ है। बिल्डिंग का एक हिस्सा फौरन भर भरा कर गिर पड़ा। बताया जा रहा है कि यूक्रेन ने तोचका टैक्टिकल मिसाइल से हमला किया जो सीधे इस रिहायशी इमारत पर आकर गिरी। रूस की जमीन पर हुए इस हमले का वीडियो देखकर पुतिन ने बहुत घातक जवाब देने की तैयारी कर ली है। हमला रूस में सुबह 11:40 पर हुआ और ठीक 12 घंटे बाद रात 11:40 पर पुतिन ने बड़ा फैसला कर दिया। एक तरफ रक्षा मंत्री सरगई शोइगु को बदलकर पूर्व डिप्टी प्राइम मिनिस्टर एंद्रे बेलुसोव को नया डिफेंस मिनिस्टर बना दिया, तो दूसरी तरफ यूक्रेन के खार्कीव को रौंदने के लिए रूस ने ऑपरेशन एनाकोंडा शुरू कर दिया। ऑपरेशन एनाकोंडा यानी ऐसा युद्ध जिसमें खार्कीव को चारों तरफ से जकड़कर जेलेंस्की की फौज का दम घोट दिया जाए, यही पुतिन की सबसे खतरनाक रणनीति है, जिसमें सबसे बड़ा टारगेट तो यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की हैं। राजधानी कीव के बाद खार्कीव का शहर उनका सबसे बड़ा किला माना जाता है। खार्कीव का हाल देखकर जेलेंस्की ने रात 12 बजे एक वीडियो मैसेज रिलीज किया है जो अब पूरी दुनिया में वायरल हो चुका है। особливо увага Харківщині. Тривають оборонні бої, жорстокі бої на значній частині нашої прикордонної смуги. Є села, які фактично із сірої зони стали зоною ведення бойових дій, і окупант намагається в частині з них закріпитись. जो सरगई शोइगु पिछले 12 वर्षों से पुतिन का हथियार वाला गोदाम यानी रक्षा मंत्रालय संभाल रहे थे। यूक्रेन युद्ध को लेकर शोइगु लगातार एक्टिव रहे। हथियार गोदाम से लेकर फ्रंट तक शोइगु ने कई दौरे किए, लेकिन अब पुतिन ने उन्हें अचानक बदलने का फैसला किया। और चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी अन्य खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।